आपको पता है वीकेंड की सबसे अच्छी बात क्या है? वीकेंड वाली वाइब्स, मतलब सैटरडे आते ही ऐसा लगता है ना कि मैं टेंशन फ्री हो गई। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? तो चलिए आपकी टेंशन को और फ्री करते हैं और आपको दिखाते हैं खास खबर। जरा मुंडे की बॉडी तो देखो, जरा बंदे की स्टाइल तो देखो। ऐसी स्टाइल, ऐसी बॉडी पर तो कोई भी फिदा हो जाए, लेकिन ऐसी बॉडी, ऐसा फिजिक पाने के लिए करनी पड़ती है कितनी कड़ी मेहनत। ये आपको बताएंगे कार्तिक के भाई और नायरा के देवर गौरव वाधवा, जो सीरियल मैडम सर के साथ कमबैक कर रहे हैं। ये है मोहब्बतें और ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद अब गौरव मैडम सर में एक रफ टफ जर्नलिस्ट के रोल में है। गौरव कैसी कड़क फिटनेस रिजीम को फॉलो करते हैं, ये उन्होंने लॉकडाउन से पहले सास बहू और सस्पेंस को दिखाया था, और हम ये स्टोरी दिखा रहे हैं ताकि फैंस उनसे इंस्पायर होकर लॉकडाउन में फिटनेस पर पूरा ध्यान दें। माशाल्लाह आपकी बॉडी बहुत बेहतरीन है, सभी ने देखी है, बट इस बार जल्दी बॉडी साथ ही साथ कोई नया शो भी आ रहा है। जी मेरा नया शो आ रहा है जिसका नाम है मैडम सर में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि इसमें मैं आप प्ले कर रहा हूँ, यानी कि आई एम प्लेइंग इन रिपोर्टर। मैं रिपोर्टर प्ले कर रहा हूँ और उसके लिए मैं काफी न्यूज चैनल्स आजकल देख रहा हूँ और अपना इंटरव्यू भी मैं उसी पे ही देखने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा कि मैंने शोल्डर्स किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शोल्डर्स मेरा फेवरेट पार्ट है, और इन दिनों मैं थोड़ा कट डाउन कर रहा हूँ, अपना वेट थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो उसके साथ जो डाइट में मैं चेंजेस करता हूँ और वर्कआउट में जो चेंजेस करता हूँ उसमें मेरी हेल्प करते हैं मिस्टर आकाश। आ जाओ आकाश, शर्मा मत, थोड़े शर्मीले हैं, ये मेरे पर्सनल ट्रेनर हैं। शोल्डर्स हो या हो बाइसेप्स, बाइक हो या ट्राइसेप्स, लेग्स हो या हो चेस्ट, गौरव ने आज अपनी बॉडी के हर पार्ट को सॉलिड बनाने के लिए जमकर मेहनत की। यानी कि मतलब इस तरह की बॉडी अगर आपके फैंस भी चाहते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज टेस्ट से, खाने से, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो आप मेंटली इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हो कि यार कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो पूरे दिन में एक तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए आपको बहुत खुशी हो, और मैं वेट करता हूँ रात को सोते वक्त कि कल सुबह उठूंगा तो मुझे छाछ मिलेगी, जबकि एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं इतना खुश होता हूँ और वो पी के अच्छी एनर्जी मिलती है, और मैं पंजाबी हूँ तो बड़े होते वक्त हमने यही पिया है घर वालों ने, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा मोटिवेशन है जिम के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम कार्ब्स ले रहा हूँ, थोड़ी एनर्जी बहुत जरूरी है। बीच में फ्रूट्स चलते रहते हैं, बनाना, एप्पल, वो सब चलता रहता है। और जब बॉडी बिल्डिंग का आज का कोटा पूरा हो गया तो गौरव ने अपने सभी फैंस को दिखाई अपनी बॉडी और साथ ही अपने फैंस को दिए कुछ फिटनेस टिप्स। बहुत लोग चाहते हैं कि यार हमारी अच्छी बॉडी बन जाए, लेकिन उनको वो नहीं पता उसके पीछे क्या मेहनत लगती है। कभी भी आप लाइफ में विदाउट गोल नहीं रह सकते हो, नहीं तो मोटिवेशन मिस हो जाता है। मेरा गोल है कि मुझे एब्स और क्लीन करने हैं, मेरे को मेरे लेग्स पे काम करना है, तो कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहो लाइफ में, भागते दौड़ते रहोगे, लाइफ बहुत अच्छी लगेगी और एक एम लगेगा जिसके लिए आप जी रहे हैं। सपोज अगर आप खाली भी बैठे तो भी वो एम आपके पास होना चाहिए। सो इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा, डेडिकेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए।
गौरव, आपने तो फैंस को फिटनेस टिप्स दे दिए, लेकिन अब जब आप अपने नए शो में कर रहे हैं जर्नलिस्ट का किरदार, तो इसके लिए कोई भी मदद या टिप्स की जरूरत हो तो बेझिझक आप सास बहू और सस्पेंस की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। मुंबई से आशुतोष बड़गैया की रिपोर्ट।